गुजरात के जूनागढ़ में बारिश से जलभराव की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भारी बारिश से पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया। तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारी बारिश गुजरात के कई इलाकों में हुई है। ये दो शहर जहां पे भारी बारिश हुई है, जूनागढ़, राजकोट। देखिए, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक आज सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात और गुजरात के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना है, और ऐसा ही कुछ हमें आज सुबह से देखने को मिल रहा है। इस समय मैं जूनागढ़ से सोमनाथ जाने के रास्ते पर हूँ। ये मंजर देखिए आप, लंबी कतारें ट्रकें हैं जो अमूमन कम पानी या बहुत ज्यादा पानी हो तो भी निकल जाती हैं, लेकिन ऐसी गाड़ियों की कतारें भी आपको यहाँ पर इस सड़क पर दिखाई दे रही है। ये मांगरोल जाने वाली सड़क है, और इस सड़क पर आपको ये जो कतारें दिखाई दे रही हैं उसकी वजह भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये जो दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये देखिए आप, अगर यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा, और रास्ता जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि सड़क नहीं दिखाई दे रही है, समंदर दिखाई दे रहा है। पूरा एक तरह से पानी से पूरा इलाका जो है वो कह सकते हैं जलमग्न हो गया है। यहाँ पर आप देखिए, गाड़ियां जो है वो अब इससे आगे जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। ये किसी तरह से यहाँ पर एक गाड़ी लेकर पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसके आगे अब जाना जो है वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और इसलिए लोग नहीं जा रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो भैया? मांगरोल से जाने का है, गाड़ी लेकर आया हूं। गाड़ी लेके आए हो, तो हिम्मत हो रही है जाने की? नहीं। क्या देख के आए वहाँ पे? क्या देख के आए? पानी देख के। बहाव बहुत ही तेज है। बहाव बहुत तेज है, मतलब फ्लो भी बहुत ज्यादा तेज है। कौन सी गाड़ी है आपके पास में? ओ, छोटा गाड़ी, सेंसर शर्मा। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? मांगरोल। तो आप क्या, मतलब अभी क्या देखा वहाँ आपने? बहुत पानी है, तेज जा रहा है, इसलिए हिम्मत नहीं हो रही जाने की। जाहिर सी बात है, लोग जो है पानी की ताक लेने के लिए अंदर तक जा भी रहे हैं देखने के लिए कि पानी का बहाव कितना है, लेकिन आप देखिए पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, और इसलिए कोई भी गाड़ी वाला जो है वो ये हिम्मत नहीं कर रहा है कि इस सड़क से आगे की तरफ जाए। मांगरोल की तरफ जाने वाली ये सड़क है, लेकिन आगे जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए कि पानी तो पूरी तरह से सड़क पर भरा ही हुआ है, लेकिन उसका बहाव भी इतना ज्यादा तेज है कि गाड़ी जो है वो बह के कहीं और जा सकती है। आसपास के जो इलाके हैं, आसपास के जो गांव हैं, उनसे संपर्क जो है वो टूट चुका है, और यही वजह है कि लोग जो है वो अब अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी तरह का मंजर अमूमन सौराष्ट्र के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां पर मुख्य सड़कें जो है वो बाधित हो गई हैं। आप समझ सकते हैं कि जो अंदरूनी सड़कें हैं, जो छोटी सड़कें हैं, उनका क्या हाल होगा। कैमरा प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, सौराष्ट्र, न्यूज 24। ट्रैक्टर की सवारी कर हम इस समय मांगरोल तहसील के चंदवाड़ा गांव में पहुंचे हुए हैं। ये जिस रास्ते से आए हैं वो आप देखिए पूरा पानी से भरा हुआ है, और इसी रास्ते से होकर हम गांव के अंदर पहुंचे हैं। गांव के अंदर की तस्वीरें भी आप देख लीजिए, किस तरह से यहाँ पर जो घर है उनकी किस तरह के हालात हैं, किस तरह से ये हालात तब हैं जबकि बारिश अभी कुछ देर से रुकी हुई है। जब बारिश हो रही थी तो पानी का स्तर इससे भी ज्यादा था, गांव तक पहुंचना मुश्किल था, और इसलिए हमको थोड़ी देर तक इंतजार करना पड़ा, और उसके बाद हम यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं लोगों के घर जो है वो अब थोड़ा सा पानी निकलने के बाद में भी इस तरह के हालात में है। जहां पर पहले तो लोगों के घरों के अंदर पानी था, उनके कई जो सार सामान है, अनाज है, बाकी जो घर की चीजें हैं वो तमाम जो है वो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। घर के अंदर से पानी जो है वो उलझ उलझ कर निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि घर के अंदर पानी जो है वो घुसा हुआ था। लोग देखिए अभी भी जो खाट है वो अंदर जो बिछी हुई है उसके नीचे भी हमको इसी तरह का पानी दिखाई दे रहा है। वहां पर दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं तो वहां पर भी लोगों के घरों में इसी तरह का पानी है।
घर के अंदर की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं आपको घर के अंदर ले चलूं तो बहुत ही अलग तरीके का मंजर आपको दिखाई देगा। किस तरह से तेज बारिश ने, यहाँ थोड़ा अंधेरा है क्योंकि बिजली नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बारिश ने जो है, यहाँ ये बुजुर्ग है खाट पर बैठे हुए हैं लेकिन नीचे जो है वो पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। ये ड्रम है, घर का साजो सामान है, बिस्तरा है, तमाम चीजें जो है वो बीमार है। बुजुर्ग महिला है, वो बीमार है, अंधेरे में लेटी हुई है। अगर थोड़ी सी रोशनी के जरिए आप देख सके, ये एक कमरे की हालत है। इस कमरे से जब मैं बाहर निकलता हूँ, और अमूमन गांव के घरों में आंगन होता है, ये देखिए घर के अंदर की तस्वीर, किस तरह से बारिश में जो है वो, ये रसोई है, आप देखिए रसोई का पूरा सर सामान, गैस का सिलेंडर, सब कुछ जो है यहाँ पर डूबा हुआ है। बर्तन किस तरह से एक खाट के सहारे कुछ ऊंचाई पर रखे गए हैं। ये घरों के अंदर कम से कम दो दो ढाई ढाई फुट पानी तब भरा हुआ है जब बारिश रुक चुकी है। बारिश रुकने के बाद के इस तरह के हालात है। यहाँ पर इसी तरह का मंजर जो है अमूमन लगभग हर घर के अंदर है। ये आसपास के जो दूसरे घर हैं वहां पर भी इसी तरह का मंजर हमको दिखाई दे रहा है। आसपास हमने जो बात की लोगों से, तमाम चीजें हुई है, लेकिन आम आदमी जो गांव के अंदर है, उनकी फसलें बर्बाद हुई है, उनके घर के सामान बर्बाद हुए हैं, और किस तरह से वो यहाँ पर डूबे हुए, उसकी एक वानगी यहाँ पर हमको चंदवाड़ा गांव में देखने को मिल रही है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह चौरासी।